लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शोरगुल से दूर कहीं तन्हाई में, जहां सिर्फ तुम रहोगी, मैं रहूंगा और हमारा प्यार। लेकिन हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे। ये बंबई है मेरी जान, यहाँ सारा शहर रात को भी जागता है। क्या हुआ, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? सड़क के बीचों बीच पत्थर रखे हुए हैं। किसने रखे होंगे? पता नहीं, यू वेट, मैं देखता हूँ। हेलो राजेश, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे जाने वाली, यहाँ पत्थर भी बीच में आने लगे अब। अरे ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? कौन है तुम? तुम्हारी मौत। क्या चाहिए? तुम्हारी जिंदगी। मगर क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोग मेरा बिगाड़ नहीं कर सकते हो। तो फिर कत्ल करना मेरा शौक, मेरा शौक। हमें छोड़ दीजिए प्लीज, हमारे पास जो कुछ है प्लीज। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम मुझे दे सको, सिवाय तुम्हारी जान के। ये इनका मम्मी डैडी। मैं जानता हूं आप लोगों के दिलों पर क्या बीत रही है। जो भी कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बच्चों के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कमिश्नर साहब, ये हत्या की पांचवी वारदात है और अब तक हत्यारा काउंट गिफ्ट नहीं आ सका है। क्या हम जान सकते हैं कि पुलिस अब तक किस नतीजे पहुंची है? ये सही है कि हत्यारा अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है, लेकिन कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बच नहीं सकता। देर सवेर उसे पकड़ ही लिया जाएगा। लेकिन तब तक वह आधा दर्जन कत्ल और कर चुका होगा। आप लोग क्या समझते हैं कि पुलिस वालों के हाथों में जादू की छड़ी होती है?
जो घुमाया अपराधी को पकड़ लिया। हमें घटनास्थल पर मिले क्लूज के सहारे आगे बढ़ना होता है और ये हत्यारा इतना चालाक है कि किसी भी वारदात पे अपनी कोई सुराग नहीं छोड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि आप इन हत्यारों के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हत्यारे के बारे में दो बातों का पता चल चुका है। वो क्या है? पहली तो ये कि हत्यारा हमेशा .38 रिवॉल्वर का इस्तेमाल करता है। दूसरा ये कि उसका निशाना बहुत पक्का है और वो हमेशा अपने शिकार के माथे पर निशाना लगाता है। अच्छा, तो आपने अभी तक हत्यारे को पकड़ने के लिए क्या क्या उपाय किए? फिलहाल हम आपको ये सब कुछ नहीं बता सकते। जो भी होगा आगे आपके सामने आ जाएगा। आज का हर अखबार पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी से भरा पड़ा है। हर कोई हमें निकम्मा, नाकारा और नालायक साबित करने पर तुला हुआ है। जरा सोचिए, अगर हत्याओं का सिलसिला इस तरह से चलता रहा तो क्या जनता पर विश्वास करेगी? क्या हम वो जिम्मेदारी निभा सकेंगे जो हमें सौंपी गई है? न सिर्फ जनता का विश्वास बल्कि पुलिस का मनोबल भी टूट जाएगा। मुझे हर कीमत पर 3 दिन के अंदर अंदर वो कातिल सलाखों के पीछे चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। सर, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। यस ऑफिसर, गो अहेड। सर, अब तक जितनी भी वारदातें हुई हैं उनमें कातिल ने सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना निशाना बनाया है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर शहर के किसी सुनसान इलाके पर अपना डेरा डाले हुए थे। क्यों ना हम हत्यारे के लिए शहर के किसी सुनसान इलाके पर अपना जाल बिछाएं? What do you mean, officer? सर, मेरा मतलब है कि अगर हम किसी सुनसान जगह पर अपने किसी एक पुरुष और एक महिला सिपाही का नकली जोड़ा बनाकर भेज दें तो हो सकता है कि कातिल उन पर भी हमला करने की कोशिश करे और तब ठीक उस वक्त उन्हें हम दबोच सकते हैं। गुड आइडिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। चूंकि हम कातिल का ठिकाना नहीं जानते तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अपने नकली जोड़े को कहां कौन से इलाके में भेजें, क्या कातिल उन पर हमला कर सके? वो तो ठीक है सर, लेकिन हम एक की बजाय 4-5 नकली जोड़े बनाकर भेज सकते हैं। इस तरह कुछ इलाके तो कवर किए ही जा सकते हैं। वेल ऑफिसर, ऐसा भी करके देख लेते हैं। इंस्पेक्टर अर्जुन, एक काम करो, शहर के तमाम .38 रिवॉल्वर के लाइसेंस धारियों की एक लिस्ट तैयार करो और उसे चेक करो। यस सर। वेल ऑफिसर्स, इस केस से ताल्लुक रखती हुई हर जानकारी फौरन मेरी नॉलेज में आनी चाहिए। राइट? यस सर। नाउ यू मे गो। गन तो लौट के आए तुमने, कई हत्यारा हमें ना मार डाले। पुलिस वाली होकर तुम डरती हो? हत्यारा तो अभी तक आया नहीं। पता नहीं वो आएगा या नहीं, देखते हैं। अरे सो सारा पिक्चर तो करिश्मा कपूर छोड़ के आने का क्या और बाकी का फिल्म घर पे। अरे क्या हो गया? सुताओ निका। ओ ड्राइवर साहब, आगे पूरा रोड खराब है। अरे क्या, उसको अभी रोड खराब होने का टाइम मिला क्या उसको? लगता है गाड़ी पूरी घुमा के लेनी पड़ेगी। यार बहुत तकलीफ पड़ेगा यार। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? क्या बात पे कचका हो गया? देखो ना ये बाप रे, झोरी तो बड़ी है। ऊपर होली भाई दुजू। हमारी ये चाल भी नाकामयाब हो गई। हम जाल बिछाए कहीं और बैठे रहे और पंछी कहीं और से दाना चुग गया। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है? सर, जब तक हमें कातिल का सुराग नहीं मिल जाता हम कोई और प्रिकॉशन तो ले ही सकते हैं। मसलन हम जनता को इतना तो वार्न कर ही सकते हैं
कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति शहर की किसी भी सुनसान जगह की तरफ ना जाए। कम से कम इसमें जोखिम तो कम होगा ही। और सर, जब शिकार ही नहीं मिलेगा तो शिकारी शिकार किसका करेगा? गुड, इससे हमें तहकीकात करने और मामले की तह तक पहुंचने के लिए काफी वक्त मिलेगा। इंस्पेक्टर अर्जुन, तुम ये अपील रेडियो, टीवी और प्रेस तक पहुंचा दो। यस सर। रुकावट के लिए खेद है। एक जरूरी सूचना, मुंबई के नागरिकों को सूचित किया जाता है कि हाल ही में हो रही कत्ल की वारदातों का कातिल या अपराधी जब तक पकड़ा नहीं जाता, कोई भी व्यक्ति अकेला या अपने परिवार के साथ सुनसान जगहों पर न जाए, खासकर अंधेरा होने के बाद कतई ही नहीं। सूचना समाप्त हुई, धन्यवाद। चलो रंचो, आओ। कमबख्त गाड़ी को अभी खराब होना था। ओफो, कितनी बार कहा है कि इस खटारे को बेच दो, पर पता नहीं तुमको इससे क्या लगाव है। अरे लगाव तो होगा जी, शादी में जो आई है तुम्हारे साथ, जब तुम्हें नहीं बदला तो इससे कैसे बदल दूं? सुनो तो, धक्का लगाते लगाते मेरी जान निकली जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। हाँ। फिर घर भी कितना दूर है, सिर्फ आधा किलोमीटर। लगा प्यास है। क्या हुआ श्रीमान? कुछ नहीं, जरा गाड़ी खराब हो गई, पता नहीं अचानक चलते चलते रुक गई। कुछ मदद चाहिए? जी नहीं, घर पास में ही है, हम लोग चले जाएंगे। टेक केयर। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। नो थैंक्स, हम लोग चले जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। देखो तो, जब वो लिफ्ट दे रहा था तो लीकियों ने कम से कम हमें तो भिजवा दिया होता ना उसके साथ। अरे भगवान, जब सुख था तो बोलती थी सोनो तो सोनो तो, अब थोड़ा दुख क्या आने पड़ा तो उस इंस्पेक्टर के साथ भागना चाहते हो? नहीं भाई नहीं, जीना मरना संग संग। सर, मेरे ख्याल से उन लोगों को हमें घर तक छोड़ देना चाहिए था। मैंने तो ऑफर दे थे लेकिन वो माने ही नहीं। सर, हो सकता है उन्होंने चेतावनी सुनी ना हो। चेतावनी? या फिर उन्हें शहर में घूम रहे उस खतरे का पता ही ना हो। तुम्हारी बात ठीक लग रही है। ड्राइवर, जल्दी उसी जगह गाड़ी मोड़ दो। जल्दी। गुड मॉर्निंग कमिश्नर साहब। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप यहाँ सुबह सुबह हॉस्पिटल में कैसे? अरे भाई, हम पुलिस वालों की तो ड्यूटी ऐसी है, कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, लेकिन आप सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? या प्लीज, दरअसल मेरे एक दोस्त की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, उसी को मिलने के लिए आया था। पर आप? वही हत्याओं वाले सिलसिले में। कल रात उस कातिल ने एक बंगाली परिवार पर हमला कर दिया, पूरा परिवार मारा गया। इत्तफाक से एक औरत की जान बच गई। जान बच गई, लेकिन कैसे? हाँ, कातिल ने गोली उसको भी मारी थी, लेकिन वो गोली उसके कान को छू कर निकल गई। तब तो उसने कातिल का नाम भी बता दिया होगा? नहीं, अभी तक तो उसने नाम नहीं बताया, लेकिन आज वो उसका नाम बताने वाली है। राजा, तुम भी चलो हमारे साथ। हाँ, क्यों नहीं, आप चलिए, मैं आता हूं। ओके। ये है वो खूनी, इसने मार डाला मेरे पति।
बच्चों को इसलिए मारा है, यही है वो खूनी।